शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या है? टाइम बम म्यूजिक। तुम दोनों भाइयों के मौत का काउंटडाउन शुरू होता है अब। मैंने अपनी आंखों से देखा। इधर आ जाओ दादी, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। बम कैसे लग गया अंदर? हे माते, करण और कुणाल की रक्षा करना प्रभु। मैंने कोई बम तो डिफ्यूज किया नहीं है। वायर काटू, लॉक वाली वायर हटा देते हैं, शायद टाइम रुक जाए इससे। और सर डैश वायर ही काटते हैं, कोई सही रहेगा। आगे चौक में देख लेंगे। जी जी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट तो हमें भी बहुत हो रही है। ये क्या हो गया? हे महादेव, दोनों की रक्षा करना। लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी माँ, बॉम्ब डिफ्यूज हो गए। हमारे कमरे में बॉम्ब लगाया किसने? ये बाद में पता करेंगे। पहले ये देखना है कि हवेली में और कोई बॉम्ब तो नहीं है। आप लोग हॉल में जाइए, हम देखते हैं। कुणाल तू वहां देख, मैं यहां देखता हूं। संभाल के करण, चले आइए। मुझे एक बात बताओ, एक बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। अरे जब एक बॉम्ब से काम हो सकता था तो तुमने दो दो बॉम्ब क्यों लगवाए? माँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर किसी भी तरह से दोनों भाइयों ने मिलकर एक बॉम्ब को डिफ्यूज कर भी दिया तब भी दूसरा बॉम्ब इनकी जान जरूर ले लेगा। आज इन दोनों भाइयों के मौत का टिकट कंफर्म्ड है। वाह, क्या शैतानी दिमाग लगाया तुमने। प्राउड ऑफ यू। हवेली में और कोई बॉम्ब नहीं। एक और बॉम्ब है। मैं अभी कटर लेके आ रहा हूं, सिर्फ एक मिनट है।
फिर तो एक ही रास्ता बाकी है, सबको हवेली से लेके बाहर निकालते। चल चल जल्दी चल, सोच कर आए। नहीं 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 नहीं, तू 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 सबको घर से बाहर लेके जा। मैं इस हवेली को कुछ नहीं होने दे सकता भाई। तू निकल, तू पागल मत बन। चल नहीं, तू जा करण, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। चल नहीं भाई, चल मेरे साथ। नहीं भाई प्लीज, तू जाए यहाँ से सबको लेके। तू साथ में चला, तेरे बिना नहीं जाऊंगा मैं। हवेली को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी बात समझ मेरे भाई। तू यहाँ से। कुनाल, कुनाल, नहीं कुनाल, कुनाल रुक रुक। बबू आया क्यों नहीं अभी तक? नीचे सब ठीक तो है ना? आज करण और कुनाल आप दोनों भाइयों के मौत का काउंटडाउन शुरू होता है। आप टेन नाइन एट सेवन Three. Two. One. Boom! दादी माँ, आंखें खोलिए। दादी माँ, दादी माँ ठीक तो है ना? बाबा जी आंखें खोलो। काव्या पानी ले आ प्लीज। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ बेटा। बाबा जी, दादी माँ, बाबा जी कहाँ हुई क्या? दादी माँ, काव्या जल्दी प्लीज। हाँ हाँ, दादी माँ, दादी माँ आंखें खोलिए। दादी दादी माँ, बाबा जी ऐसे हिम्मत बता रहे हो बाबा जी? काव्या तुम दादी माँ को संभालो, मैं कुनाल को देखता हूँ। कुनाल, तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? कुनाल, आजा, पानी पानी दो। कुनाल, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ बाबा जी। ये पानी पानी पियो, पानी पानी पियो। बहुत घबरा तेरे, हे भगवान, लाख लाख शुक्र। भवानी, दादी माँ, कुनाल, बहुत लग गया है क्या? नहीं दादी माँ, बस हल्की सी खरोच। काव्या, फर्स्ट एड किट प्लीज। अभी चलो कमरे में चलते हैं। ओह नो रॉकी, तुम्हारा बम तो फट गया, लेकिन हर बार की तरह इन मूर्खों की किस्मत इनका साथ दे गई। ये लोग फिर बच गए।
अब क्या करोगे? क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर फिलहाल तो मैं इनकी पागल मत बन, अपने गुस्से पर काबू रख और चुपचाप इन लोगों का तमाशा देख। अगर मुझे ऐसा प्यार रोज मिले तो मैं रोज बम लेके कूदने के लिए तैयार। कुछ भी, महादेव के आशीर्वाद से हमारे कुणाल ने इस पुश्तैनी हवेली को कुछ नहीं होने दिया। भगवान की कृपा से कुणाल बच गया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम सबके होते हुए भी किसी ने हमारे कमरे में बॉम्ब कैसे रख दिया? इस बात की खबर हमें पुलिस को करनी पड़ेगी, ताकि वो जो कोई भी हो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। करण, काव्या सही कह रही है, हमें इस घटना की इत्तला पुलिस को देनी चाहिए। इससे पहले कि शक की सुई हम पर आए मुझे कुछ करना होगा। चलिए भैया। कुणाल भैया, सब कैसे हो गया? असली मुद्दा तो ये है कि इस हवेली में आखिर बॉम्ब आया कहां से है, ये अब तक नहीं पता। पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर कुणाल वो बॉम्ब लेके भागता नहीं तो आज हमारी पुश्तैनी हवेली खाक में मिल जाती। कुणाल भैया, थैंक यू सो मच भैया, अगर आज आप नहीं होते तो जो हमारी इतनी पुरानी मिली, जो हमें विरासत में मिली, ये सब बर्बाद हो जाता। थैंक यू। ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, कहीं पकड़ा ना जाए बेवकूफ। भैया, मैं कसम खा के कहता हूँ, इस कांड के पीछे जो कोई भी होगा ना उसको मैं बर्बाद करके रख दूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कमिश्नर साहब से खुद बात करूंगा और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। करण, रुको बेटा, एक काम करो, अब फोन बाहर जाके कर लो, है? अभी कुणाल को आराम करने दो, उसको आराम की बहुत जरूरत है। हमारी समझ से सब लोग जाओ यहाँ से, इसको थोड़ा शांति मिलेगी तो आराम करेगा। चलो बेटा कुणाल। कुछ भी कर लूं मेरा तीर निशाने पे लगता ही नहीं है। तुम्हारे यहां चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। सोचो, अगर उन दोनों भाइयों को पता चल गया कि वो बॉम्ब हम दोनों ने प्लान किया था तो हम दोनों को जेल भिजवा देगा। चुप, तुम चुप। तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो पड़ा दूसरी आप, और इस सर खा रखा आपने मेरा। मुझ पे चिल्लाया? माँ, अभी डरने का वक्त नहीं है। ये जो हवेली है, इस हवेली ने और यहाँ के लोगों ने हमें कभी अपना हक नहीं दिया। इसको अब हम छुप के चुपचाप, ये जो दो सौतेले भाई है ना, हमें दोनों के बीच रहकर कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सब समझना होगा। अब रोइए मत, और जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा ना, उस मौके को पकड़ के
हमें इनका खेल खत्म करना होगा। मैं हूं आपके साथ, डरिए मत, परेशान मत होइए। I'm sorry. सबके होते हुए भी इस घर में बॉम्ब कौन लगा सकता है? इसे कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा। हाँ कमिश्नर साहब, कोई भी अपडेट मिले तो आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू। कमिश्नर साहब ने अपने बेस्ट ऑफिसर्स इस केस पे लगाए हैं। होपफुली जिसने भी एक कांड किया है वो पकड़ा जाएगा। अरे एक बार पता चल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। करन, अगर वो बम फट जाता तो हमारा क्या होता? काव्या, ऐसा नहीं सोचते। वैसे बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा परिवार, मेरा भाई, तुम वापस मिली हो। इन सबको मैं दोबारा नहीं खो सकता। यह आवाज कैसी है? कुनाल को तो कुछ नहीं हुआ? रिलैक्स, बैठो 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 बैठो। हाँ मगर पहुंच गई हमारे स्कूल में। हाँ क्या जरूरत थी? रॉकी, अरे परवर कुछ नहीं, अगर आप ऐसी वहां पे जाती रही और इतना शोर मचाती रही ना तो आपको और मेरे फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा संभल के काम किया करिए, ठीक है? क्या सोच रहे? कुछ तो करूंगा, ऐसे तो नहीं बैठने वाला मैं। पर फिलहाल आप यहाँ बैठिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ठीक है? स्टे 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 स्टे। तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक के लगा नहीं। टेंशन मत ले, एकदम ठीक हूँ। बस माँ की याद आ गई थी। कुनाल, अब माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर इतना जरूर याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज हमें माफ कर देना। भाई प्लीज, माफी अफी नहीं। वैसे माफी मांगता है तो ऐसा लगता है कि तूने मुझे पराया कर दिया। ऐसे कैसे, जो दिल में रहता है ना वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ करूं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गायत्री जी, भगवान के पास होते हुए भी हम सबका ख्याल रख रही है। देखना, जब तक उनका आशीर्वाद हमारे साथ है हमारे परिवार को कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एक बात कहूं काव्या, तुम सबने, सभी ने मुझे कभी मां की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं बस सिर्फ माँ की फोटो देखकर यही सोच रहा था कि अगर माँ ने हम दोनों भाइयों को साथ में देखा होता तो कितना खुश होती। और भाई, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम सिंह खानदान के वारिस और किसी फौलाद से कम नहीं।
चाहे दुश्मन हम पर जितने वार करें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार तू बम ब्लास्ट में बचा है और आज मैं। अब तक हमें ये बात नहीं पता चली कि आप पर वो हमला करवाया किसने और आप बच कैसे गए। ना भाई, आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं तुझसे मिलने आया था और मेरी आंखों के सामने तेरी कार ब्लास्ट हो गई। तू बचा कैसे? हाँ करण, बताइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उस बात को याद करके आपका दिल भरा आया है तो फिर मुझे वो बात नहीं जाननी है। थैंक यू। यार तुम दोनों एक पेशेंट के सामने इतना सीरियस बिहेव करोगे तो ये पेशेंट ठीक कैसे होगा? और हाँ, स्माइल वाली से काम नहीं चलेगा। एक कप चाय मिलेगी? बस अभी नहीं। थैंक यू। क्या बात, मैंने आज से पहले तुझे कभी इतना कमजोर नहीं देखा है। बता दे क्या बात है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनका राज रहना ही ठीक है। एक्सीडेंट से पहले हमारी कंपनी को काफी लॉसेस हुए थे। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अपने 51% शेयर्स काव्या के नाम करने पड़े थे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि दादी माँ और काव्या के शेयर्स मैं अपने नाम पे कर लेता हूँ। अगला टिकट कटेगा दादी माता उर्फ राज माता का। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।